नमस्ते, मैं हूं प्रवीण सोनी। आरपीटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आरपीटीवी न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट और खबरें देखने के लिए लाल रंग का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और वहीं पास ही में बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखते हैं आज की खास। आरपीटीवी न्यूज़ के सभी दर्शकों और सहयोगियों का हार्दिक आभार 10,000 सब्सक्राइबर होने पर। बड़वानी जिले में कोरोना से जंग जीती। अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। 24 कोरोना पॉजिटिव में से 7 की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। आइसोलेशन वार्ड से स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी 3 कर्मचारी हुए। 2 सेनवा से 1 राजपुर के समीप भामी गांव का युवक हुआ डिस्चार्ज। इस मौके पर कलेक्टर अमित सिंह तोमर, सांसद श्री गजेंद्र पटेल उपस्थित थे एवं हॉस्पिटल प्रभारी CHMO डॉक्टर BS सत्या, हॉस्पिटल प्रशासक मुकेश डोंगरे और अन्य हॉस्पिटल के कर्मचारी भी उपस्थित थे। सर, कितने पेशेंट टोटल जिले में हैं और कितनों को अभी छुट्टी दी गई है? टोटल जिले में 24 पेशेंट हैं, जिसमें 13 बड़वानी BH में हैं और 11 इंदौर में एडमिट हैं। 7 पेशेंट आज डिस्चार्ज हुए हैं, पूरी तरह स्वस्थ होकर। अभी 17 पेशेंट्स और हैं जिनका उपचार चल रहा है। हम आशा करते हैं कि यहाँ के जो शेष पेशेंट हैं वो ठीक डिस्चार्ज हो जाएंगे। 11 पेशेंट जो इंदौर में एडमिट है वो भी स्टेबल है और कुछ की उनकी प्रथम रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, सेकंड सैंपल भेजा हुआ है, तो उम्मीद ये है कि वो लोग भी जल्द ही डिस्चार्ज होंगे। स्थिति है जिले में आज? बड़ी प्रसन्नता की बात है कि लॉकडाउन के बाद में जिस प्रकार से मेरे इस लोकसभा के बड़वानी जिला में संक्रमित कोरोना के पेशेंट पाए गए और उनका व्यवस्थित उपचार इस सरकारी अस्पताल में हुआ और जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम नियम कानून और लॉकडाउन का पूरा पालन करेंगे तो हम कोरोना को भी हराएंगे और देश भी जीतेगा, और उसी का यह उदाहरण है कि 13 संक्रमित पेशेंटों में से आज हम 7 कोरोना पेशेंट को उस बीमारी से मुक्त करा पाए हैं और आज उनका इस बीमारी से मुक्ति का भी दिवस है। और मुझे विश्वास है कि शेष बचे हुए जो 6 पेशेंट हैं वो भी इस बीमारी से मुक्त होंगे, कि हमारी पूरी हॉस्पिटल की टीम, हमारे जितने डॉक्टर्स हैं वो पूरी ताकत से उसको कोरोना को हराने में लगे हैं और उसका जीवंत उदाहरण हमको देखने को मिला है। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि हम आज हमारे भाई और बहनों को इस कोरोना बीमारी से स्वतंत्र पाकर खुशी और अपने घरों की ओर लौट रहे हैं और उसके बाद भी वो लॉकडाउन का पालन करेंगे, इस विश्वास के साथ में जो शेष बच्चे उनके लिए भी शुभकामनाएं कि जल्दी स्वस्थ होकर बाहर आएंगे और हम पुनः इस लॉकडाउन का पालन 3 मई तक करें, कि आने वाले समय में हम किसी प्रकार के कोरोना पॉजिटिव के केस हमको न मिले। और विगत 5-6 दिनों से ध्यान में आया कि जितनी रिपोर्टें अभी आई है उसमें कोई भी कोरोना पॉजिटिव हमारे ज़िले में नहीं पाया गया है और ये हमारे लिए खुशी की बात है। और मुझे विश्वास है कि 3 मई को हम इस हमारा बड़वानी जिला इस लॉकडाउन से मुक्त होने की श्रेणी में आ जाएगा और हम पुनः अपने व्यवस्थित दिन कर्म के काम से काम में लग जाएंगे। इसी विश्वास के साथ में आप सबके माध्यम से पुनः लॉकडाउन का हम सब पालन करें और 3 मई के बाद हम हमारी व्यवस्थित दिनचर्या के पालन हम शुरू हो जाएँ।